बड़ो बालाजी धाम में 51 कुंडात्मक राम महायज्ञ संपन्न। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी के पास बालाजी धाम बड़ोह में आयोजित होने वाले 51 कुंडात्मक संकट मोचन श्री राम महायज्ञ को लेकर बालाजी धाम के सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी धाम बड़ोह के महंत श्री श्री 108 श्री विष्णुदास महाराज की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें बालाजी धाम बड़ोह में होने वाले श्री राम महायज्ञ समिति के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई एवं 2 फरवरी दिन गुरुवार को 10 बजे से होने वाली भव्य कलश यात्रा के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। सभी समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी से कार्य करने पर भी जोर दिया गया। इस दौरान समिति प्रबंधक बलराम सिंह यादव, राजेश रिछारिया, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हरिनेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश पंथी, सरपंच बिपिन चौहान, उप सरपंच युगल किशोर व्यास, राजभान सिंह यादव, रवि रिछारिया, डॉक्टर सरित श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में समिति के सदस्य एवं क्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। बालाजी धाम पर उपस्थित सभी भक्तों का सरकार की ओर से आशीर्वाद और हमारी ओर से हम सभी का स्वागत करते हैं। आपके धाम पर, बालाजी धाम हमें आपके हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संकट मोचन 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन, उसी संदर्भ में हमारे श्री बलराम सिंह जी यादव उपस्थित हैं। चूंकि ये यज्ञ है और यज्ञ का मतलब ही हिंदू धर्म का एक प्रतीक, पर्यावरण शोधन हेतु और धर्म को जागृत करने हेतु और सभी लोगों को एकत्रित होने का एक मौका, साथ साथ में अपने सनातनी होने के नाते हम और आप मिलकर जो शिकार को यज्ञ है, हवन है, कथाएं हैं, यही अपन लोगों का कार्य भी है। तो हर धर्म में जिस प्रकार से एक नई नई जागृतियां पैदा हो रही हैं, उसी के साथ में चूंकि न्यू तो यज्ञ है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, ना किसी ने बनाया है। आज तक विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये बता दे कि सनातन धर्म किस दिन पैदा हुआ। सनातन धर्म तो प्रकट हुआ है, भगवान के पहले, ईश्वर के आने के पहले भी सनातन धर्म था।